Knowledge Park, the creative school, school for quality and innovative education. अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं सैयद अमजद, आप देख रहे हैं बीकी न्यूज़। बसों कल्याण तालुके के प्रतापपुर टांडे में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर के करंट लगने से एक बकरे की हुई मौत। 10 जून 2020 को दोपहर लगभग 3 से 4 बजे के दरमियान रोड के किनारे मौजूद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर को टकराने से चंद्रकांत राठौड़ के बकरे की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों का कहना है कि ट्रांसफार्मर की जगह को पैक नहीं किया गया है, जिसके चलते आज एक बकरे की मौत हुई है। जेस्कॉम की लापरवाही की वजह से इस बकरे की मौत हो चुकी है। जेस्कॉम डिपार्टमेंट को चाहिए कि ट्रांसफार्मर की जगह को जाली से पैक करें ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। आज बकरे की मौत हुई है, कल फिर कोई बड़ा हादसा ना हो। एम्बा कंस्ट्रक्शंस, ऑल टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स, हाउस, शॉप। बसोकल्याण तालुके के धामोरी गांव में दो बैल मरने का वाकया पेश आया। वेंकट नामदेव जाधव के दो बैल आज 10 जून 2020 को जोरदार बारिश की वजह से उनके दोनों बैल मर गए। बताया जा रहा है कि वेंकट अपने बैलों को खेत में बांध कर रखा था। वेंकट का कहना है कि अचानक जोरदार बारिश आने की वजह से मेरे दोनों बैल भीग कर मर गए। इन बैलों की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वेंकट अपने खेत में इन बैलों से जमीन सींचता था। आज अचानक इन बैलों की मौत से वेंकट नामदेव जाधव पूरी तरह से टूट चुके हैं। हाजी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ब्यूटीफुल होम फॉर सेल विद ऑल फैसिलिटीज। इस साल की पहली बारिश ने बसोकल्याण को इस तरह से भिगो दिया कि बसोकल्याण के मेन सिटी के रोड हुई जाम। सीएमसी की लापरवाही की वजह से बसोकल्याण सिटी के रोडों पर पानी जाम। वक्त रहते सीएमसी ने बसोकल्याण सिटी के ड्रेनेज को साफ किया होता तो आज बसोकल्याण की रोडों पर पानी इस तरह नहीं ठहरता, जिसकी वजह से राह चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बसोकल्याण तालुके में आज फिर आए दो नए केस, जिससे बढ़कर बसोकल्याण तालुके में हो गए 108 केसेस। बसोकल्याण तालुके के देहातों में कहर मचाने के बाद कोरोना ने अब नजर डाली है बसोकल्याण सिटी पर। आज के दो नए केसेस बसोकल्याण तालुका के घाट इप्परगा में 30 साल शख्स और बसोकल्याण सिटी के सीता कॉलोनी में 32 साल महिला टीचर। बताया जा रहा है कि ये टीचर अपने रिश्तेदार के किसी फंक्शन में चुड़गुप्पा गई हुई थी। वहां से आने के बाद इसका टेस्ट किया गया और वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इन दोनों को बिदर डिस्ट्रिक्ट ब्रीम्स हॉस्पिटल भेजा गया। आज से 2 महीने पहले बसोकल्याण सिटी में एक कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया था। उसके बाद बसोकल्याण के देहातों में कोरोना घूम रहा था और आज उसने फिर से बसोकल्याण सिटी का रुख किया है। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।